हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज के इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला कि वोटर आईडी डाउनलोड कैसे करेंगे, या तो आप लोग जिस भी वार्ड में आप लोग रहते हैं उस वार्ड का वोटर आईडी डाउनलोड कैसे करेंगे। अगर आप लोग के पास एक स्मार्टफोन है तो आप लोग भी घर बैठे वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हो। तो बने रहे वीडियो पर एंड तक। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करते आने वाले न्यू वीडियो आप सबको जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ से आपको क्रोम ब्राउजर यहाँ से ओपन कर लेना दोस्तों। जैसे कि आपने इसे क्रोम ब्राउजर से ओपन कीजिएगा तो आपको सर्च वाले सेक्शन में आना दोस्तों। जैसे सर्च वाले सेक्शन में आइएगा दोस्तों, आपको टाइप करना है यहाँ पर SEC, इस तरीके से SEC.bihar.gov इस तरीके से आपको लिख लेना। ओके दोस्तों, नहीं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग वेबसाइट के होम पेज तक पहुँच सकते हो। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सर्च कर देना है। जैसे यहाँ से सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक 3 डॉट का आइकन दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ से क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरह से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेगा दोस्तों, एक ऑप्शन दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन में, जूम कर देते दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक रोल PDF, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके दोस्तों, इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना है। फिर आप लोग वहां से क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करिएगा दोस्तों, यहां से जिले का नाम यहां से सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से। जैसे सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको जिला का नाम यहाँ से चूज कर लेना है। जो जिले का नाम है वहाँ से आप लोग यहाँ से चूज कर लिया, तो अपना जिले का नाम यहाँ से चूज कर लिया दोस्तों। फिर आपको सेकेंड ऑप्शन में दोस्तों आता है प्रखंड का नाम, जो आपका प्रखंड का नाम है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो आपका प्रखंड का नाम है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से अपना प्रखंड का नाम यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको थर्ड नंबर में दोस्तों पंचायत का नाम, जो आपका पंचायत का नाम आता है तो यहाँ सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना इस तरीके से। जैसे आप लोग सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको जो पंचायत का नाम है तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अपना पंचायत का नाम यहाँ सेलेक्ट कर, तो यहाँ से फोर्थ नंबर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है वार्ड नंबर संख्या, तो आप लोग यहाँ से वार्ड नंबर संख्या से चूज करना है, सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सेलेक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप लोग जिस भी वार्ड में आप लोग रहते हैं तो इस वार्ड के यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। जैसे अब यहाँ सब हर चीज़ यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, इस तरह से नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करिए तो एक डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे यहाँ से डाउनलोड PDF का ऑप्शन पर क्लिक करते तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक ओके का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ओके का ऑप्शन पर क्लिक करते आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको डाउनलोड हो जाएगा और इस तरीके से अपना देख सकते हो वोटर आईडी डाउनलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो वोटर आईडी। बहुत सारे लोग भाई का कमेंट ये भी आता है कि भाई डाउनलोड तो कर लिए, कौन सा फाइल में वो हमको मालूम नहीं है। तो वो भी आपको इस वीडियो में आपको सिखा देना कौन सा फाइल में आपको गया है। तो इस तरीके से ऐसे बैक आते हैं तो यहाँ से आपको फाइल मैनेजर यहाँ से खोज लेना, जो आपका मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है वो यहाँ से आपको यहाँ से खोज लीजिएगा। तो जैसे फाइल मैनेजर जैसे यहाँ से ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से क्लिक कीजिएगा, जो आपने वोटर आईडी डाउनलोड लगाए हैं वो आपको यहाँ आपको सेव हो गया है। इस तरीके से आपको ओपन करके दिखा देते हैं, इस तरीके से आपको ओपन करके दिखाते हैं तो आपको आ गया वोटर। तो इस तरीके से आपके मोबाइल में भी सेव हो गया दोस्तों। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके आने वाली न्यू वीडियो आप सबको जल्दी पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।